हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब भी हम कोई मोबाइल पर आर्टिकल पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी लैंग्वेज में कोई चीज़ हम रीड कर रहे हैं जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जिसको हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का अगर हमें कम नॉलेज है तो कई बार हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे में हमें दिक्कत आती है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करके रखते हैं, उस एप्लीकेशन का यूज़ करके हम उसे बार बार ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन कितना अच्छा होगा कि हम उसी एक जगह पर अगर एक टैब में उसका मीनिंग अगर देख पाए। दोस्तों, ये पॉसिबल है, गूगल ने ही हमें ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर जो है वो दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली इस चीज को सीख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें गूगल ट्रांसलेट ऑन करना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान सी और सिंपल सी सेटिंग है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर तीन जो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही है, यहां पर हमें टैप करना है। उसके बाद यहां पर हमें सेटिंग्स में आना है। उसके बाद ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं टैप टू ट्रांसलेट, इसे हमें ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद हम नीचे की तरफ देख सकते हैं एनेबल में, यहाँ पर भी इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद हम नीचे की तरफ प्रीफर्ड लैंग्वेजेस हम देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज में आपको वो लैंग्वेज सेट कर देनी है जिसमें आप ट्रांसलेट करके चाहते हैं। और यहाँ पर जो है लैंग्वेज नीचे की तरफ जो दिया हुआ है कि लैंग्वेज यू ट्रांसलेट मोस्ट ऑफन, तो यहाँ पर इसमें आप जो डिटेक्ट लैंग्वेज है वही रहने दीजिए। यानी इन केस इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज ऑन स्क्रीन हो तो उसको वो हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके देगा। तो चलिए स्क्रीन से बाहर आते हैं। आप देख सकते हैं राइट टॉप पे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आइकॉन आ गया। तो अभी इसको किस तरीके से यूज करना है, तो चलिए कोई भी एक आर्टिकल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर एक आर्टिकल मैंने ऑन किया है और यहाँ पर कोई भी एक वर्ड में यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, इसे मैं टैप एंड होल्ड करता हूँ। उसके बाद जैसे ही हम कॉपी पर टैप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कॉपी पर टैप करते से ही, जैसे हम बबल पर टैप करते हैं ट्रांसलेट बबल पर, तो हम देखेंगे कि वो लैंग्वेज जो है उसने इसको ट्रांसलेट करके दे दिया। तो कुछ इस तरीके से जो भी वर्ड यहाँ पर हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो आप सेंटेंस भी ले सकते हैं, चाहे तो काफी बड़ा आप मैटर सेलेक्ट कर लीजिए, वो ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो कुछ इस तरीके से टैप एंड होल्ड करना है। टैप एंड होल्ड करने के बाद जितना भी आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको मार्क करना है, कॉपी करना है और यहाँ पर बबल पर टैप करना है। उन्हें टैप करने तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये हमें उसने ट्रांसलेट करके दे दिया। तो कुछ इस तरीके से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसे यूज करना है। इनकेस अगर आपको इसे यूज करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो भी चीज मैंने आपसे शेयर किया आपको ठीक लगी होगी। अगर आप इन सारी चीजों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।